हेलो हेलो, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए। हमारे छोटे बड़े जो भी स्टूडेंट है, फ्रेंड है, यानी ओनली वन जो भी है, मतलब मैं आप सभी लोग को बहुत सारा प्यार देता हूं। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है। अब मैं ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ आपका द नाउन। द नाउन है, द नाउन, द नाउन के बारे में जानना है तो इससे पहले आप लोग को पता होगा, पता है मुझे, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है वो थोड़ा वो ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि उनको मतलब समझ में आए। मैं शुरू से एकदम पढ़ा रहा हूँ ग्रामर ताकि आप लोगों को समझ में आए। लेकिन इसे जानने से पहले जो ये जो मैं सारा चीज़ें लिखा हूँ इसे मैं समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन इसे समझने से पहले मेरा पीके इंग्लिश गुरु जी का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले और प्रेस करना ना करने प्रेस करना ना भूले, मतलब आपका जो सब्सक्राइबर जो घंटी है दबाना, सब्सक्राइब करना। पीके इंग्लिश गुरु जी, देखिए यहाँ दिया है डिफिनेशन। डिफिनेशन माने होता क्या है पहले, डिफिनेशन माने होता है क्या पहले, डिफिनेशन माने क्या होता है। डिफिनेशन माने होता है परिभाषा, किसी भी चीज का परिभाषा ले लीजिए, अदरवाइज एनीवन कहे जो भी सब्जेक्ट हो आप उसे ले सकते हैं, उसमें डिफिनेशन ही परिभाषा दिया है। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार, भाव के नाम को इंग्लिश में नाउन या हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या है मतलब, है संज्ञा का परिभाषा है, फिर से देख लीजिए। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को इंग्लिश में नाउन या हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अब दिया है इंग्लिश में डेफिनेशन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग, आवर आइडिया। ये क्या है आपका इंग्लिश में डेफिनेशन है, ये क्या है आपका इंग्लिश में डेफिनेशन। अब दिया है, फिर से समझ लीजिए एक बार, अंडरस्टैंड एक बार फिर से देख लीजिए डिफिनेशन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग, आवर आइडिया। यानी कि किसी व्यक्ति या जानवर या स्थान या वस्तु या विचार या भाव के नाम को इंग्लिश में नाउन या हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अब ऊपर दिए गए, ऊपर जो मैं आपको जो जो आपका जो आपका जो परिभाषा में लिखवाया हूँ इससे आपको क्या पता चलता है, फेमस है, मैं उसको बता रहा हूँ। भाषाओं, भाषाओं के खास नाम, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ETC। यानी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, ETC। अब दिया है महान व्यक्ति के खास नाम, जो महान व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध हो या जो फेमस हो, जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो है ETC। ऐसे बहुत हैं लेकिन मैं आप लोग को ज्यादा नहीं मैं समझाऊंगा। फिर से एक बार देख लीजिए द नाउन, इसके मैंने प्रकार बता दिया और इसका मैंने डिफिनेशन दे दिया। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का अर्थ होता है कोई एक। इसका इंग्लिश में, इसका इंग्लिश डेफिनेशन है अ पर्सन नाउन। मिस्टेक हो जा रहा है, डेफिनेशन अ प्रॉपर नाउन, क्या लिखा है, अप्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, आवर थिंग। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं इसका डेफिनेशन, ये क्या पढ़ेंगे इसको हम अ पढ़ेंगे। अप्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, आवर थिंग। यानी किसी व्यक्ति, स्थान या जानवर या वस्तु के खास नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। बाय द वे कहीं अगर हमसे मिस्टेक हो रहा है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित आर प्रॉपर नाउन, व्यक्तियों के खास नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, रोहित, मोहित, सोहित, पवन, A to Z जितना भी है सब नाम क्या है, सबके लिए सबका नाम खास है। स्थानों के खास नाम, पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया, अफ्रीका, काशी, हिंदू विश्वविद्यालय, सब क्या है,
सब इम्पोर्टेंट है, सब नाम है। जानवरों के खास नाम लूसी, टॉम, चेतक, ईटीसी। पुस्तकों और ग्रंथों के खास नाम द रामायण, द बाइबल, ईटीसी। भाषाओं के खास नाम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ऐसे उर्दू है, फ्रांस है, ऐसे तमाम तरह के भाषाएं हैं। महान व्यक्ति के खास नाम महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ईटीसी। मतलब भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे से मतलब बहुत सारे जो है फेमस है, मतलब समझ गए।